उसने हमें धोखा दिया, उसका नाम था झूठी। आज फाइनली सर चले मंडली। सो फर्स्ट स्टॉपेज हम लोग का एंड जस्ट यहाँ पे हम लोग ने चाय पिया एंड दिस इज आवर ट्रैवलर। आपको सब मंडली से मिलाएंगे। दिस इज अपना, कुछ तो ब्लॉग में देखा होगा इसको आप। ये नर्सरी, कौन सी नर्सरी है? वन बी। अच्छा, वन में आ गई। दिस इज जयश्री, इसको होली वाला ब्लॉग में देखे होंगे। वन ऑफ मोमेंट चौरिक नया बसंत। दिस इज रिक, फुल नेम क्या भाई? छोर भाई। रोकती मोबो घोष। आयुश्री। शायंतन। यू ब्रो। चार्ली। होली का ब्लॉग से देखा होगा। दिस इज अ न्यू मेंबर जॉय, इसका तो ऑलमोस्ट हर ब्लॉग में देखा होगा। ओल्ड इश में ये विंटेज वाला सात्विक। नींद आ ही रही थी। और ये हम लोग का ब्लॉग कंटेंट को जब भी आप कोई नई जगह शिफ्ट करते हैं, वहां से फर्स्ट ट्रिप बहुत स्पेशल होता है, हमारे लिए भी है। मुझे तो कई दफा ऐसा लगा कि ऊटी पहुंचने के पहले ही हम सारे मजे ना खत्म करते। रात भर नाचने के बाद सुबह हमारा कुछ ऐसा हाल था। हाय, गुड मॉर्निंग। जड़ा बोलो, बोल। और ये हम आसमान की ऊंचाइयों में भरा सूरज ही सूरज। सो अराउंड अभी बज रहे हैं 7:11 एंड बोल सकते हो कि हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट स्टॉपेज है। हम लोग ने दो रिजर्व पार्क किए, एक है कीना की रिजर्व शिला बूंदी की बूंदा की टाइगर रिजर्व, एक था की लिखा पड़ तर मलालम मुदुमलाल, एक मुदुमलाल और एक बांदीपुर टाइगर रिजर्व हम लोग ने पार किया। बट जो आप सीन्स देख रहे हैं अभी, लाइक सब लोग सोए हुए थे एंड सब लोग उठ गए कि अरे हिरन, अरे हाथी, माइट बी कॉमन बट ऐसे रियल उनको देखने के लिए, लाइक हम लोग 9 to 5 जॉब करते हैं एंड उसके बीच में अगर हम लोग ये सब देख रहे तो इट्स बोल सकते हो माइन्यूट अचीवमेंट। इतना ग्रीनरी, इतना लश ग्रीन एनवायरनमेंट देख के इतना ही प्यारा लग रहा था। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे ऊटी क्या क्या होल्ड करती है हमारे लिए। हम लोग फर्स्ट टूरिस्ट साइट पे आ गए मंदिर एंड आई, अगर आ रहे हो तो ट्राई करना बाइक वाइक में आने, बिकॉज क्या ही खूबसूरत जगह है, क्या ही खूबसूरत जगह। मतलब मैं थक जा रहा हूँ बट सीन्स ख़त्म नहीं हो रहे, हर एक सीन फोटोग्राफिक है। सो अभी हम लोग आए फॉल में, कुछ तो एक फॉल है, अब पता नहीं कहाँ जाना है, कैसे आना है, बस शायद इनको फॉलो करते हुए। हाँ जी, हाँ जी, दे दो माइक पे लाइट अप। सीन सीनरी कैसा लग रहा है? बहुत ही अद्भुत, ऐसा एनर्जी में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। हाँ हाँ, अरे एक्चुअली आवाज आ सुना, मैग्निफिसेंट। ये पेट्रा वाटरफॉल 300 मीटर दूर सिर्फ जाते हुए हम लोग, खतरनाक भूख लगी है भाई, बट पेट में चूहा कूद रहे हैं, चूहे हुए बहुत ही कुछ कूद रहे हैं, बट पैसा दिया है वसूल करना है। पैसा दिया है वसूल करना है।
सेक्सी जगह ना भाई, सुंदर जगह है, जगह तो अच्छा, जो भी बोलो जगह तो अच्छा, जगह तो अच्छा, जगह सॉरी सिंगल लोग के लिए जगह है, सिंगल लोग के लिए यहाँ पे तो जगह नहीं है फिलहाल के लिए, बट व्यूज व्यूज देखो बस, और क्या व्यूज अच्छा है। सिंगल्स क्या कर रहे हैं, सिंगल्स यहाँ पे अपन लोग ही खुद का देख लेते हैं यहाँ पे यही करते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए ब्लैक पहन के आए, यस यस, और कुछ और कुछ, तुम भी आओ, ये तुम सिंगल नहीं हो, बाहर निकलो बाहर निकलो, ये ना इंसाफी, ये ना इंसाफी, ये ना इंसाफी हो रही है, ये कोइंसिडेंस है, नथिंग है, चलो बोलो बजरंग दल बट इन ब्लैक यूनिफॉर्म बिकॉज़ ऑरेंज, यही है जो है, अपने इधर यही होता है, अपने इधर यही होता है। पायकरा वाटरफॉल लिखा है, फॉल नहीं पता बट वाटर जरूर, तो अभी छोटा सा सीन हो गया, जो वाटरफॉल है उसको देखने के लिए फेंस क्रॉस करना पड़ता ही है, वरना बहुत दूर से देख पाओगे बहुत छोटा सा फॉल, तो हम लोग ने फेंस क्रॉस किया बिकॉज हमारे पहले एक फैमिली बोले जो भी बोलो उन्होंने क्रॉस क्रॉस किया था, वेरी नाइस, जब आ रहे थे हम लोग पकड़ा गए एंड पर हेड सबको 100 का फाइन गिरा। तो अगर आप ये वाटरफॉल पे आओ तो एक बार परमिशन ले लो, आई डोंट थिंक ये देंगे बट अगर स्टिल जो भी करो पूछ के करो, बट वही है फोटो वोटो निकाल लिया, कोई पैसा नहीं दिया उसका, बस यही है, बट पर हेड 100 दर्जन का 10,000, तो थोड़ा सा अभी सबका मूड, वही 1,000, तभी सबका मूड थोड़ा सा डाउन है, अब देखते कुछ खाएंगे पियेंगे थोड़ा सा मूड चेयर अप होगा। चलो सो नाउ इज करेंटली 10:50, ऑलमोस्ट 1 बजे निकले थे हम लोग, तो बोल सकते हो ऑलमोस्ट हम लोग को 11 घंटा लगा पहुँचने में, बट वो है कि हम लोग एक स्टॉप मतलब एक व्यू पॉइंट घूम के आए हम लोग, तो आइए आपको थोड़ा सा होटल दिखाते हैं। सो बोटैनिकल गार्डन से जस्ट 2 मिनट का रास्ता है, यहाँ पे सामने जस्ट एक एथलेटिक ग्राउंड है, ये 2-स्टोरी बिल्डिंग है एंड हम लोग का रूम इज समथिंग लाइक दिस, सो दिस इज अ रूम, छोटा सा रूम है बट आई थिंक हम लोग 4 जन अट जाएंगे जैसे तैसे करके, बिकॉज वी हैव स्टेड इन वर्स्ट, दिस इज़ वन चेंजिंग मिरर एंड वॉशरूम काफ़ी सही है, लाइक ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, बट हाँ पानी बहुत ठंडा आ रहा है। सो अभी फ्रेश फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा बाहर आया खाने बिकॉज ब्रेकफास्ट नहीं किया हम लोग ने, एंड अभी जस्ट 2 मिनट का रास्ता है यहाँ से, तो हमारे जो सिंगल बंदे हैं वहाँ पे बैठ गए, आधे लोग पराठा खाने गए और मैं और साथ में आए इधर बड़ा और फिल्टर पफ। सो अभी ये खा के फिर से रूम में जाएंगे या थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे देखते हैं तो जो भी होता है, एंड इसके बाद जाएंगे हम लोग दद्दाबेटा पीक, यहाँ पे फिल्टर कॉफ़ी जो थी क्या ही थी, जून का महीना है बट स्टिल हम लोग ने कोल्ड कपड़े पहन लिए बिकॉज एक्चुअली यहाँ पे ठंड है एंड रात को शायद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, सो ले लिया सेफ्टी के लिए। व्हाट आर यू वेयरिंग टुडे, गुची अरमानी? नो 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 गुची नो अरमानी। यस व्हाट आर यू वेयरिंग, गुची और अरमानी? द जैक टॉप इज फ्रॉम गुची, हां द बैग इज फ्रॉम अरमानी, ओके लाइक दिस एंड दिस इज आई जूडियो ज़ारा और जूडियो हांगकांग मार्केट, ओके फ्रॉम What is the spelling of Chanel, ma'am? C-H-A-N-E-L. Oh fuck. Spelling जानते हैं but afford नहीं कर सकते। So sudden change of plans. दो-दो peak जाएंगे इसके बाद, but हम लोग पहले आ गए tea factory. Tea and chocolate factory में. Yeah. देख ले. इधर से view काफी ही सुंदर है, like काफी. बिताने के बाद यहाँ बिकॉज इतना सैनिक जगह है यहाँ पे, तो अगर आप आ रहे हो प्लीज आओ बिकॉज यहाँ से पूरा ऊटी दिखता है।
यहाँ पे जब आप एंट्री करेंगे आपको एक एसेंस आएगा, एक बहुत ही हार्ड एसेंस ऑफ द टी. चाय चाइनीज टर्म चाय. हाँ बिकॉज आया था चाइना से ना वो. सो अगर इफ यू आर अ वेरी टी एंथुसियास्ट आप आ सकते हैं यहाँ पे. यहाँ पे फुल आपको हिस्ट्री मिल जाएगा सब कुछ. दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वे. आई थिंक टी को कैसे वो मेथड यहाँ से इधर आ रहा है. एंड आई थिंक ये मशीन उसको पेस्ट करके उसका पेस्ट निकाल दिया सो ग्रैनुलर फॉर्म में करने के लिए. बहुत स्ट्रॉन्ग अरोमा है ऑफ द टी. चाय पीते तो है बट आज उसका प्रोसेस देख लिया. आई थिंक इसमें रिफाइन हो रहा है वो एग्जैक्टली. और अंदर काफ़ी हॉट है. रात में इधर आके सो जाएंगे. जो पीते हैं ये क्या है? ये वाला पीते हैं ना डस्ट. दिस इज आई गेस द फाइनल प्रोडक्ट डस्ट. दिस इज डस्ट. एंड ये आई थिंक द शेकर है. शेकर क्या हो रहा है ये जो आपने देखा इस साइज के हिसाब से डिफरेंशिएट हो रहा है. किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है. जो चाय जो आप चाय पीते हैं घर में उसका बात कर रहा हूं. अच्छा अच्छा अच्छा. हां सो चाय के फैक्ट्री में है और चाय नहीं पी ऐसा तो हो नहीं सकता. सो चाय पीते हैं. भाई कैसा है? एकदम प्योर भाई. शे ये मिलता है चाय फ्लेवर से. शे शे मस्त है. मस्त एग्जैक्ट टी का फ्लेवर आ रहा है एकदम. वो लाइक डायरेक्टली यू आर गेटिंग फॉर द फैक्ट्री विद नो प्रिजर्वेटिव नथिंग. सो आप प्लीज आई इफ यू आर टी लवर यू विल लव इट. बहुत अच्छा. सही है सही है. कम ऑन बोलो ना. अरे चीनी मिला दिया या चाय का फ्लेवर चला गया? अच्छा शुगर फ्री. आपको शुगर फ्री पसंद है? चाय का मेकिंग देख लिया समझ लिया. एंड अभी जा रहे हैं चॉकलेट का समझ लिया. सो दिस वाज अ ट्रिप टू टी एंड चॉकलेट फैक्ट्री. सो आई वुड हाईली रिकमेंड आई यू बिकॉज इसके आसपास का नंबर वन सीनरी बहुत ही अच्छा है. आपको टी मेकिंग प्रोसेस देखने को मिलता है एंड प्लस अ फ्री चाय मिलता है एंड ऑल्सो चॉकलेट्स. बस जिम का थोड़ा सा पैसा लग गया तो उसमें तो कंट्रोल करना पड़ता है. इसीलिए और पैसा नहीं है चॉकलेट खरीदने का. डोडा पेटा पीक के अंदर तो आ गए बट बिकॉज ऑफ फॉग लाइक एवरीथिंग इज लाइक फॉगी एंड आई थिंक थोड़ा सा ड्रिजल भी हो रहा है. सो व्यू पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं. आई गेस थोड़ा सा गलत टाइमिंग हो गया बट वेदर पे हमारा कहाँ कंट्रोल होता है. हम लोग जो लोग दार्जिलिंग सिक्किम में सब घूमे हुए हैं तो उनके लिए बड़ी बात नहीं है बट हम लोग बैंगलोर से आए तो उनके लिए एक्चुअली ये बादल बहुत दिन बाद देखे. सो अच्छा ही लग रहा है बट वही एक अफसोस रहेगा कि पीक नहीं देख पाए है ना भाई. एग्जैक्टली वही तो पॉइंट था आने का इधर. तो अभी रोडर आके पहुँचे. सो आज का कार्यक्रम यहीं तक समाप्त करते हैं बिकॉज आई डोंट थिंक किसी के भी बॉडी में कुछ एनर्जी बची हो. सो अगर कुछ होगा रात को निकलेंगे अब तो फिर शोर. टेम्परेचर इधर है 13 एंड आप देख सकते हैं विंटर वेयर आ चुका है तो मतलब काफ़ी ही ठंडा है भाई. ठंडी कैसी है भाई? बहुत इज लाइक वेरी मच -5 डिग्रीज इन ऊटी राइट नाउ. फील्स लाइक माइनस -5 डिग्रीज. दिस इज़ डे 2 इन ऊटी एंड कल रात तो डिनर खा के हम लोग सब आउट थे सब फिनिश एंड क्या ही प्यारा नींद आया इतना कोजी सा एनवायरनमेंट में. एंड हम लोग से गलती हो गया कल चेक नहीं किया था कि टेरेस कैसा है. क्या ही प्यारा व्यू है यार. बिकॉज ऊटी में आप कहीं भी चले जाओ अगर
एवरी प्लेस इज अ सीनिक प्लेस. या कोई भी जॉब करते होंगे आपको हसल एंड वसल ऑफ द लाइफ से आपको अलग आना है, यहाँ पे जस्ट लेड बैक एंड रिलैक्स. बट हमारे पास वो लग्जरी नहीं है बिकॉज हम लोग को घूमना है, हम लोग को प्लेसेस देखना है. सो वही करेंगे अभी, जितना जल्दी हो सके सब लोग शावर वावर लेके रेडी होते हैं एंड रास्ते में मिलते हैं आपसे. तो भाई साहब AI इतना आगे निकल गया है, मतलब रियलिटी में मेरे को कुछ मतलब अनरियल है ये. दिस इज नॉट पॉसिबल यार, देखो ये पॉसिबल ही नहीं है. You wanna see heaven? Here it is. यही पे साजन पिक्चर का शूट हुआ था. क्या हुआ था मैडम? भाई हमारे ओही आ रहा था. भाई this is it baby. This is it. You wanna see heaven? Habibi, welcome to Kunnur. Take my money but give this for life. यहाँ पे व्यू पॉइंट में आए एंड यहाँ पे हम लोग को अंकल इतने प्यारे हैं कि हम लोग को चाय टेस्ट करने को मिल रहा है. सो अंकल थैंक यू सो मच. एंड अगर आप कुछ बोलना चाहें. इनके बारे में क्या लगता है? ग्रीन टी, मसाला टी, चॉकलेट टी, जिंजर, कार्डमम, ग्रीन टी, ये लम्बे फ्री टेस्ट दरवो टी साउट पारेंगे ये भी नालों जब बांग के लां यूकलिप्टस ऑयल रखे होममेड चॉकलेट रखे आदिवासी तैयार पन रहे स्पाइसेस रखे बांग टुपोंगे इन द चैनल सब्सक्राइब पन्नुंगे बेल बटन क्लिक पन्नुंगे. तो अभी मस्त सब व्यूज एंजॉय करते करते हम लोग पहुंच गए लैम्प्रो एंड अपेरेंटली पता नहीं क्या है अभी देखना है, बट यहाँ के हर एक मोड़ पे हर एक मोड़ इस फोटोजेनिक. सो लैम्स रॉक के बाद डायरेक्ट अभी सीन है सिम्स रॉक. हम लोग अंदर नहीं जा पाए बिकॉज 30 मिनट्स का आई थिंक ट्रेल था ऊपर, बट वो नहीं किया बिकॉज हमारे जो लेडीज़ है उन्होंने हील पहना हुआ था और हमारा और एक बंदा है जिसने वाइट शू पहना है. तो बस शूज आर नॉट अलाउड ना. नहीं उसको उसको प्रॉब्लम नहीं था. नहीं बोला तेरे भी प्रॉब्लम था शर्म नहीं आंसर भाई. तो बस इसके लिए हम लोग नहीं गए उधर, अभी हम लोग आए सिम्स पार्क. तो एक दो जगह स्किप कर रहे हैं कुछ कुछ बहुत क्रिटिकल कंडीशन की वजह से. गाइस मैंगोस कच्चा मैंगो. सो अभी सिम्स पार्क में आए, फिलहाल सबको लगी वॉशरूम निकल रहे हैं एंड ये आम खाते हुए अभी ये बेसिकली है एक बड़ा सा पार्क सिम्स पार्क SIMP. एंट्री फीस इज 40 रुपीज़, बच्चों के लिए 20. एंड और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग? बोटिंग होता है इधर. बोटिंग होता है 1000 रुपीज़ लगता है. 1000 रुपीज़ मिनिमम, वाला कुछ ज़्यादा नहीं है. 1000 रुपीज़ ही है. सो इफ़ यू वांट आ सकते हो, बहुत ही प्यारा पार्क है. टॉयलेट्स अवेलेबल. टॉयलेट्स आपको ग्रीनरी पसंद है आइए, टॉयलेट्स अवेलेबल है बस. एंड आल्सो यू कैन गॉट पार्क्स एंड ऑल दैट. आई थिंक इट्स 10-15 हाफ एन आवर इज सफिशिएंट फॉर यू. सो सिम गार्डन के बाद हम लोग डायरेक्टली आ गए थे हम लोग होटल के पास. लंच हो गया अराउंड 4 बजे, हम लोग ने लंच किया. बहुत टाइम हुआ सबको, खतरनाक भूख लगा था. और आते आते शौरिक को एक छोटा सा दुकान मिला सो जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा थोड़ा सा अफोर्डेबल रेट में हम लोग को चॉकलेट्स मिल गए. सस्ता बोल मतलब वो सस्ता कैसा ही होता. अब कैसे लगेगा सुनने में जिनको दे रहे हैं. तो यस यही है बात. चॉकलेट सस्ता नहीं है. फीलिंग इम्पोर्टेंट होना चाहिए. फीलिंग. तो चॉकलेट्स डन. अब ऊटी का स्पेशलिटी यही है कॉफ़ी चॉकलेट्स टी. तो
टी भी ले लिया हम लोग ने, कॉफ़ी भी ले, स्वीट्स भी ले लिया, बस आई थिंक सब पॉइंट्स धीरे धीरे चेक हो रहे एंड अभी रूम में जाएंगे, फिर से रेड हो जाएंगे बिकॉज सब आज फिर से टायर्ड है एंड कल हम लोग को निकलना है अराउंड 8 से 9 बजे ताकि हम लोग रात में जल्दी पहुँच सकें। So finally, after 2 days of great stay, we are leaving Oti. And what a beautiful residence, and what a beautiful stay here. Uncle is so helpful, like whatever we needed, we got in minutes. Wherever we wanted to go, he gave the best advice. Maybe like sometime we were planning for somewhere place else. So but he guided like not to go there, go here instead. So that was really helpful, it saved us a lot of time. And Uncle, thank you so much for your hospitality. It was great. And I would, everyone would agree. बहुतों से मैंने सुना था कि यार आप ऊटी जाओ आपको मजा आ जाएगा। आज मैं आपको बोल रहा हूँ हाँ यारो, अगर आपको हिल स्टेशन से आज तक प्यार नहीं था आप ऊटी जाओ आपको डेफिनेटली प्यार हो जाएगा।